कनाडा जाण वाले भारतीय विद्यार्थी जरा गौर नाल सुन लैण इस खबर नू। कनाडा जाण वाले विद्यार्थियों के लिए हुण यूनिवर्सिटी ने कर दिते वड्डे आदेश जारी। कर दो इस खबर नू वध तो वध शेयर तां जो हर एक भारतीय विद्यार्थी जो जाना चाहुंदा है कनाडा उस तक पहुंच सके ये खबर। इस वेले की खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं भारतीय विद्यार्थियों के लिए वड्डी खबर है जो कनाडा जाने की इच्छा रखते हैं जो कनाडा दे विच जाके वड्डे पद्धर से उच्च पद्धर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जो उत्थे सैटल होना चाहते हैं तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी ने वड्डे आदेश ते नवे आदेश जारी कर दिते ने जिथे लोगों ने या कह दिए कि भारतीय विद्यार्थियों के वीजा के आने की उड़ीक की जा रही है क्योंकि ज़्यादातर सितंबर दसंबर या फिर जनवरी महीना अजिहा होंदा है कि जिथे भारतीय विद्यार्थी जाते हैं कैनेडा दे विच पढ़ाई करन दे लई। इस दौरान ही हुण यूनिवर्सिटी ने वड्डे आदेश की जारी किए ने वह भी तुहानू दस दिंदे आ। वलना दस दिए कि तुहानू किस खबर नू वध तों वध शेयर जरूर कर देना तां जो हर एक भारतीय विद्यार्थी तक यह खबर पहुँच सके जो कैनेडा जाण की इच्छा रखता है उत्थे पढ़ाई करन की इच्छा रखता है। दस दिए कि यूनिवर्सिटी ने वड्डा आदेश की जारी किया है। दस दिए कि कैनेडियन यूनिवर्सिटिया ने प्रतिनिधियों के भारतीय विद्यार्थियों को यह वड्डी जानकारी दिती है। नाल दे नाल ही तुहानू दस दिए कि दोवां देशां दे विचाले चल रही राजनीतिक उथल पुथल के कारण विद्यार्थियों के वीजा दे विच देरी हो सकती है यह उन्हां दा कहना है। दस दिए कि जनवरी च शुरू होने वाला स्प्रिंग अकैडमिक सैशन संभावित रूप के नाल बंद हो सकता है। नाल दे नाल भी कहा गया है कि विद्यार्थियों नू सलाह है कि अगस्त 2024 के लिए अपने अकैडमिक सैशन की योजना बनाने पर विचार करन। नाल दे नाल ही प्रतिनिधि ने कहा है कि असी विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर रहे हाँ अते उन्हां नू तुरंत कैनेडा ना जाने लई सलाह दिती गई है। तो दस दिए कि जिथे भारत अते कैनेडा दे विचाले उथल पुथल चल रही है तो उसे विचाले हुण यूनिवर्सिटियां ने एक वड्डा ऐलान भारतीय विद्यार्थियों के लिए कर दिता है कि उन्होंने वीजे दे विच देरी हो सकती है। तो जनवरी महीने दे विच जो स्प्रिंग अकैडमिक सैशन चलता है उसके लिए कहा गया विद्यार्थियों नूं कि वह अगस्त 2024 दे लई उसके लिए अप्लाई करन अते उत्थे जाण तां उन्होंने वीजे दे विच देरी हो सकती है इस उथल पुथल दे विचाले। तो नाल दे नाल यह भी कह दिता गया है कि असी कैनेडा ना जाण की सलाह जिहड़ी आ उन्हां नूं दिंदे हां। नाल दे नाल यह भी कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। तो इस दे नाल ही यह भी कहा गया कि जिस तरीके दे नाल दोहां देशां दे विचाले राजनीतिक उथल पुथल चलती है इस दौरान जनवरी दे विच शुरू होने वाला स्प्रिंग अकैडमिक सैशन जिहड़ा संभावित रूप दे नाल बंद हो सकता है तो यह सारिया यूनिवर्सिटीज़ दे वल्लों जिहड़ा यूनिवर्सिटी जिहड़ी है उन्हां दे वल्लों वड्डे आदेश भारतीय विद्यार्थियों नूं दित्ते गए ने जो कि अपने वीजे की उड़ीक दे विच ने अते कैनेडा दे विच पढ़ाई करन दे लई इंतजार कर रहे ने कि कद उन्हां दा वीजा आवेगा ते कद उह कैनेडा दे विच जा के पढ़ाई करनगे अते अपना जीवन जिहड़ा आ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਰਿੰਗ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ए टू जेड समस्या का समाधान मियाँ करीम खां कॉल या वट्सअप करो 99150 90403। किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटिया च फटाफट 101% समाधान गरंटी कार्ड दे नाल। काले इलम की काट साडे कोल पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ। कीता कराया जादू टोना मनचाया प्यार वशीकरण मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ। नौकरी कारोबार च रुकावटा सोतन दुश्मन तो छुटकारा घर च खून दे छिट्टे आने बच्चों का पढ़ाई च मन ना लगना प्रेमी प्रेमिका का 100% वशीकरण करवाओ। घर बैठे हर समस्या का समाधान सिर्फ 11 घंटिया च